चलो तो आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं कक्षा 12वीं के पहला चैप्टर जो सॉलिड स्टेट था उसका लेक्चर नंबर 8 का। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिज्यानुपात क्या होता है, फिर दूसरा रहेगा त्रिज्यानुपात का नियम क्या होता है, फिर पढ़ेंगे अतिचालक और लास्ट हम पढ़ेंगे ठोसों के चुंबकीय गुण। चारों के चारों जो टॉपिक हैं पूरी तरीके से कैसा है आपका थ्योरिकल है। ठीक है, एक भी न्यूमेरिकल वाला कहानी नहीं है, बस थ्योरी पढ़ना है याद करने वाला कहानी है। क्लियर है ना, आगे बढ़ जाएं। चलो भाई शुरुआत कर रहे हैं हम लोग, यार बहुत ज़्यादा, चलो शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले त्रिज्यानुपात किसे कहते हैं, ध्यान से समझना, त्रिज्यानुपात किसे कहते हैं। मान लो कोई एनी क्रिस्टल है, एनी क्रिस्टल है जैसे NaCl है या CHCl है, मतलब जिसमें क्या होता है धन आयन और क्या होता है एक ऋण आयन होता है। क्लियर ना, जैसे इसमें धन आयन है और क्या है आपका ऋण आयन है, तो जो धन आयन है और ऋण आयन है उनकी मान लो त्रिज्याओं का हम लोग क्या करें अनुपात करें। तो जो ध्यान देना, यानी कि कोई भी आयनिक क्रिस्टल है, आयनिक क्रिस्टल में धन आयन की त्रिज्या और ऋण आयन की त्रिज्या का जो अनुपात रहता है उसको क्या बोलते हैं त्रिज्या अनुपात, क्या बोलते हैं त्रिज्या अनुपात। क्लियर है कि नहीं, तो त्रिज्या अनुपात बराबर क्या होगा, त्रिज्या अनुपात हेडिंग डाल ले रहा हो, त्रिज्या अनुपात बराबर क्या होगा कोई भी आयनिक क्रिस्टल के धन आयन की त्रिज्या, धन आयन की त्रिज्या बटे ऋण आयन की त्रिज्या, धन आयन की त्रिज्या बटे ऋण आयन की त्रिज्या, इसको हम लोग बोलते हैं क्या त्रिज्या अनुपात। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, जैसे धन आयन का त्रिज्या ले रहा हूँ तो R प्लस अपॉन R माइनस, धन आयन तथा ऋण आयन की त्रिज्या का जो अनुपात रहता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं त्रिज्या अनुपात। क्लियर है ना, यदि हमको त्रिज्या अनुपात कभी भी कोई भी क्रिस्टल का यदि पता रहता है तो त्रिज्या अनुपात, ध्यान देना त्रिज्या अनुपात निकालने का मतलब क्या है, देखो यदि हमको त्रिज्या अनुपात पता रहेगा ना तो त्रिज्या अनुपात के कारण ही हम लोग को क्या पता रहेगा समन्वय संख्या पता चलता है, क्या पता चलता है समन्वय संख्या। और कोई भी यौगिक का यदि हमको समन्वय संख्या पता है तो उसका ज्यामिति भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं कि वो किस प्रकार का ज्यामिति शो करेगा। क्लियर है कि नहीं, तो त्रिज्या अनुपात हम लोग क्यों पढ़ेंगे, ध्यान समझना, किसी भी आयनिक क्रिस्टल है, मान लो मैं NaCl दे दिया, ठीक है, मान लो इसका मेरे को इसका त्रिज्या और इसका त्रिज्या पता है तो मैं दोनों का अनुपात निकालूंगा और उसका जो मान आएगा उसका मान का जो रेंज रहता है ना उस मान के रेंज के आधार पर क्या रहता है समन्वय संख्या पता रहता है। और समन्वय संख्या यदि जान डाले तो उसका क्या जान डालेंगे हम लोग ज्यामिति। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है, तो त्रिज्या अनुपात ध्यान देना धन आयन और ऋण आयन का जो त्रिज्या का अनुपात रहता है उसे क्या बोलते हैं त्रिज्या अनुपात। और त्रिज्या अनुपात का जो मान आता है उसके आधार पर हम लोग किसी भी आयनिक क्रिस्टल का समन्वय संख्या ज्ञात कर सकते हैं और उसका ज्यामिति ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं, अब ऐसा नियम जो कि उसके त्रिज्या, ध्यान देना ना, ऐसा नियम जो त्रिज्या अनुपात समन्वय संख्या और ज्यामिति इन तीनों के मध्य में जो क्या दिखाए संबंध प्रदर्शित करे उसको हम लोग बोलते हैं त्रिज्या अनुपात का नियम। क्या बोलते हैं त्रिज्या अनुपात का नियम, किन तीन चीज़ों में संबंध बोला हूँ मैं, ठीक है, सबसे पहला त्रिज्या अनुपात, दूसरा क्या बोला हूँ समन्वय संख्या और तीसरा क्या ज्यामिति, इन तीनों में जो भी संबंध दिखाता है जो नियम संबंध दिखाता है प्रदर्शित करता है उसको बोलते हैं त्रिज्या अनुपात का नियम। ओनली त्रिज्या अनुपात बस पूछेगा क्या बोलोगे धन आयन तथा किसी अन्य क्रिस्टल में धन आयन तथा ऋण आयन की त्रिज्या का अनुपात क्या कहलाता है त्रिज्या अनुपात, और त्रिज्या अनुपात की सहायता से किसी भी एनी क्रिस्टल का समन्वय संख्या और ज्यामिति ज्ञात कर सकते हैं, बस इतना ही लिखना है तुमको। और मान लो कभी आगे क्वेश्चन त्रिज्या अनुपात का नियम क्या है करके तो क्या बोलोगे किसी भी एनी क्रिस्टल यौगिक में, ठीक है, त्रिज्या अनुपात समन्वय संख्या और ज्यामिति के मध्य का जो संबंध रहता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या त्रिज्या अनुपात का नियम। क्या बोलते हैं त्रिज्या अनुपात का नियम। तो त्रिज्या अनुपात का नियम क्या बोलता है, ध्यान से देखो, तीन चीज़ों के बीच में संबंध प्रदर्शित करना है तो तीनों चीज़ों का कॉलम बनाते हैं हम लोग। सबसे पहला कॉलम जो रहेगा किसका रहेगा त्रिज्या अनुपात का, दूसरा रहेगा आपका समन्वय संख्या का, तीसरा क्या रहेगा समन्वय संख्या का, और उसके बाद क्या बोलूँ मैं ज्यामिति, क्या ज्यामिति, और दो चार उदाहरण भी याद रख लेंगे, ठीक है ना। तो कितना हो गया आपका टोटल कॉलम हो गया आपका चार, ठीक है, एक मिनट, क्लियर है। चलो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसका त्रिज्या अनुपात का, ठीक है, त्रिज्या अनुपात का, यहाँ तक क्लियर है। कैसे कैसे त्रिज्या अनुपात का देखो याद रखना है ना, इसको सीधा रटना ही है, जीरो से लेकर मान लो 0.155 तक आता है त्रिज्या अनुपात का मान, या फिर 0.155 से कहाँ तक आएगा 0.225, तीसरा है 0.225 से, ये इसका मैक्सिमम, तो इसका क्या रहेगा मिनिमम, 0.225 से यहाँ तक माना आ रहा है कितना 0.414 तक, या चौथा है 0.414 से मान आ रहा है 0.732 तक, या फिर पांचवा मान है 0.732 से कहाँ तक एक तक यदि मान आएगा, ऐसा रेंज डिवाइड कर रहा हूँ ना मैं,
कैसे बोल रहा हूँ ध्यान से समझना, ठीक ध्यान दो, 0 से 0.155 के बीच में कोई भी मान आए, ठीक है, मतलब ध्यान समझना, कोई धन आयन है और कोई ऋण आयन है, इसका अनुपात निकाला तो उसका मान मान लो क्या आया, 0 आया, कितना आया 0, या फिर 0.132 आया, या 0.142 आया, समझ आ रहा है, या 0.155 आया, यानी कि 0 से लेकर के 1.55 के बीच तक, 0 से लेकर के 1.55 के बीच तक जो भी मान आएगा, समझ आया, ये क्या है, त्रिज्या अनुपात है, किसका किसका, कोई धन आयन है और कोई ऋण आयन है, तो उसका मान यदि 0 से लेकर 0.155 तक आता है तो उसका समन्वय संख्या का मान होता है 2, कितना होता है 2, यहाँ तक क्लियर है, और उसका जो ज्यामिति होता है वो होता है रेखीय, क्या होता है रेखीय, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद मान लो 0.155 से कितना आ रहा है 0.225 तक आ रहा है, तो इसका जो रहेगा ध्यान देना समन्वय संख्या का मान होगा 3, और ज्यामिति होता है आपका त्रिकोणीय, क्या होता है त्रिकोणीय, यहाँ तक क्लियर है, समझ आ रहा है ना। जैसे कि मान लो ऐसा दिया है क्वेश्चन, तुम्हारे में क्वेश्चन क्या आएगा, एक आयनिक क्रिस्टल यौगिक है, ठीक है, ध्यान समझना, एक आयनिक क्रिस्टल यौगिक है जिसका त्रिज्या अनुपात का मान 0.221 है, इसका समन्वय संख्या व ज्यामिति क्या होगा। अब तुम लोग देखो 0.221 किसके से किसके मध्य में आ रहा है, किससे किसके मध्य में आ रहा है, 0.155 से 0.225 तक आ रहा है, 225 है ना, अरे क्या 221, तो इसी रेंज में आ रहा है ना वो, तो बताओ उसका समन्वय संख्या का मान कितना होगा 3, और ज्यामिति क्या होगा त्रिकोणी, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, समझ आ रहा है। वैसे अभी तक फॉर्मेशन नहीं किया है वो क्वेश्चन का, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन इसी तरीके से बनता है, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा नेक्स्ट देखो, मान लो 0.225 से लेकर 0.414 तक आ रहा है, तो इसका ये होगा क्या 4, और ये होता है कैसा चतुष्फलकी, क्या होता है चतुष्फलकी, ज्यामिति कैसे होता है चतुष्फलकी, क्लियर है। मान लो कितना से कितना आ रहा है 0.414 से 0.732 तक आ रहा है, तो इसका समन्वय संख्या का मान होगा कितना 6, और ये बनता है क्या अष्टफलकी, क्या बनता है अष्टफलकी, क्लियर है। और मान लो 0.732 से किसके मध्य में आ रहा है मान 1 के बीच में, किसके बीच में 1, तो इसका समन्वय संख्या का मान 8, और ये होता है क्या घनी। मैक्सिमम बच्चे क्या गलती करते हैं, 8 है समन्वय संख्या भैया अष्टफलकी होगा करके फट से ऐसे नीचे में करते हैं, यहीं पास बस मिस्टेक होता है। मिस्टेक कहाँ पास होता है उसको मैं बता रहा हूँ तुमको, कभी भी आएगा त्रिज्या अनुपात का नियम क्या है करके, तो क्या लिखोगे, ठीक है, किसी आयनिक क्रिस्टल यौगिक में त्रिज्या अनुपात समन्वय संख्या तथा ज्यामिति के बीच में संबंध को दर्शाने वाले नियम को क्या बोलते हैं, त्रिज्या अनुपात का नियम, फिर उसके बाद ये चार्ट बनाना है, क्लियर है। कैसे मान याद रखोगे, 0 से लेकर 0.155 वही है क्या, हाँ 0 से लेकर 0.155, फिर 0.155 से 0.225, फिर 0.225 से 0.414, फिर 0.414 से 0.732, फिर 0.732 से 1 तक, मेरे को याद हो गया, तुमको भी याद हो जाना चाहिए, एक बार और याद कर रहे हैं, 0 से लेकर के 0.155, 0.155 से 0.225, उसके बाद 0.225 से 0.414, उसके बाद 0.414 से 0.732, फिर 0.732 से 1 तक, इसका मान 2, 3, 4, 6, 8, ख़त्म, 2, 3, 4, 4 के बाद गैप करना है 6 और 8, क्लियर है। उसके बाद रेखीय होगा त्रिकोणीय होगा, 2 है तो रेखीय, 3 है तो त्रिकोणीय, 4 है तो चतुष्फलकी, ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट 6 है क्या, 6 है तो क्या होगा वो अष्टफलकी, कोई भी घनीय वगैरह नहीं लिखना, लास्ट वाला क्या है आपका घनी, क्लियर है, यहाँ तक समझ आया कि नहीं। अच्छा किसका किसका उदाहरण, ये HF2 का उदाहरण, ये उदाहरण अब याद रख लेना तुम लोग, उतना ज़्यादा जरूरी नहीं, HF2- का त्रिकोणीय का उदाहरण है BN बोरान नाइट्रेट, या B2N3 दो टाइप का बनता है, ये हो सकता है। चतुष्फलकी का उदाहरण है आपका ZNS, क्या है ZNS, अष्टफलकी का उदाहरण है आपका NaCl, और घनीय का उदाहरण है CaCl, ये तीनों IMP है, चतुष्फलकी, अष्टफलकी और घनी, ये एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ ये वाला, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप से पूछा था, ये तीनों नीचे का तीनों ज़्यादा MP है, ये पूरा याद हो गया, याद हो गया क्या, तो ये हो गया आपका क्या त्रिज्या अनुपात का नियम, यहाँ तक समझ आया कि नहीं, ठीक है, त्रिज्या अनुपात का नियम। तो कभी भी पूछेगा NaCl का, ध्यान समझना, NaCl का त्रिज्या अनुपात का मान किसके किसके मध्य में आता है, तो 0.414 से 0.732 के मध्य में आता है, क्लियर है। कैसा संरचना बनता है इसका, अष्टफलकी, कैसे बनेगा अष्टफलकी, और समन्वय संख्या का मान कैसे रहता है 6, और तुम लोग अष्टफलकी संरचना भी बनाए थे याद करो, एक ऐसा प्लेन था फिर ऊपर में एक बना था,
पिरामिड, नीचे में एक पिरामिड बना था, पिरामिड में कितना फलक, एक दो तीन चार फलक, नीचे में चार अष्टफल के हुआ था ना, और बीच में एक एने था, उसको कितना क्लोरीन घेरा हुआ था, छः, याद आया? ठीक है, तो ये देखो अष्टफल की होता है, ठीक है, और इसके मध्य में आता है। यदि इसका मान ज्ञात रहेगा तो इन सब का मान जान डालोगे, और इसका मान यदि तुमको पता है, कोई यौगिक का नाम पता है या अष्टफल की है तो इसको जान डालोगे। तो ये जो संबंध दिखाता है इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, त्रिज्या अनुपात का नियम। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, एक क्वेश्चन आता है, समन्वय संख्या पर ताप और दाब का प्रभाव क्या पड़ता है। क्वेश्चन आता है कि समन्वय संख्या पर ताप और दाब का प्रभाव क्या होता है। तो जब ध्यान से समझना, जब ताप बढ़ाएंगे हम लोग, जब ताप बढ़ाएंगे तो समन्वय संख्या का मान क्या होगा, कम। यानी टेम्परेचर यदि मैं बढ़ाऊंगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, कम। क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कम। और जब मैं दाब बढ़ाऊंगा, प्रेशर बढ़ाऊंगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, अधिक। क्या होगा, अधिक। इसको एकदम आसानी से समझ सकते हो। देखो, कोई आयनिक यौगिक है, ध्यान दे, कोई आयनिक यौगिक है, वो अपने आसपास कितने अवयवी कणों से घिरा हुआ है, क्लियर है, उसको हम लोग बोलते हैं उसका क्या, समन्वय संख्या। मान लो मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ये जो अवयवी कण है वो दूर दूर जाएंगे, अवयवी कण दूर जा रहे हैं मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। समन्वय संख्या किसे कहते हैं, अपने आसपास कितने विपरीत आयनों से घिरा हुआ है। तो यदि मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ तो ये दूर दूर जाएंगे, दूर दूर जाएंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मान क्या होगा, कम। और मान लो मैं प्रेशर लगा रहा हूँ, प्रेशर लगा रहा हूँ, दाब लगा रहा हूँ तो पास पास आ रहे हैं, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर का मान क्या होगा, ज़्यादा यदि प्रेशर को बढ़ाऊंगा तो। एकदम से आराम से बना सकते हो। दो नंबर का क्वेश्चन आता है, ताप और दाब का कोऑर्डिनेशन नंबर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, क्लियर है ना। ताप बढ़ाऊंगा कोऑर्डिनेशन नंबर का मान कम, और दाब बढ़ाऊंगा कोऑर्डिनेशन नंबर का मान ज़्यादा, समन्वय संख्या का मान ज़्यादा। नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेगा, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आपका क्या, अतिचालक। क्या पढ़ेंगे आप, अतिचालक। अतिचालक किसे कहते हैं, ध्यान देना, ठीक है ना, ठीक है। परम, ध्यान देना, ऐसे पदार्थ जो परम शून्य ताप पर, ठीक है ना, जिसकी प्रतिरोधकता क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है, ठीक है, ध्यान देना, परम शून्य ताप पर, परम शून्य ताप पर, परम शून्य ताप पर, या शून्य प्रतिरोधकता के साथ, शून्य प्रतिरोधकता के साथ, जब कोई पदार्थ, जब कोई पदार्थ, जब कोई पदार्थ क्या हो जाता है, पूर्ण चालक बन जाता है, क्या बन जाता है, पूर्ण चालक, तो उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अतिचालक। क्या बोलते हैं, अतिचालक। ध्यान से देखो, ठीक है, कोई पदार्थ है, यदि उसमें विद्युत धारा का क्या हो रहा है, प्रवाह हो रहा है, ठीक है, विद्युत धारा का जब प्रवाह होता है तो उसमें क्या उत्पन्न होता है, प्रतिरोध उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है, प्रतिरोध, ठीक है, क्या हो गया जी, क्या हो गया, ठीक है, ध्यान से समझना, जब कोई पदार्थ है, ध्यान से समझना, जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, विद्युत धारा प्रवाहित होते रहता है तो उसमें क्या उत्पन्न होता है, प्रतिरोध। मान लो उस प्रतिरोध को हटा दे तो पूरी तरह से धारा लगातार बहते रहेगा। मान लो मैं क्या बोल रहा हूँ, शून्य प्रतिरोध हूँ, मतलब जो धारा है, कोई पदार्थ है उसमें धारा बह रही है तो वो उस धारा का विरोध नहीं कर रहा है, क्लियर है, यानी प्रतिरोध का मान क्या है, एकदम शून्य है, क्लियर है। और ऐसे ताप जिसमें वो अतिचालक की तरफ काम करते हैं उसको परम शून्य ताप बोलते हैं, या संक्रमण ताप। क्वेश्चन आता है, संक्रमण ताप किसे कहते हैं, वह ताप जिस पर कोई पदार्थ अतिचालक की भांति क्या करता है, काम करने लगता है, मतलब उसमें प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, क्या हो जाता है, शून्य, क्लियर है कि नहीं। तो ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, अतिचालक। क्या बोलते हैं, अतिचालक, क्लियर है कि नहीं। तो शून्य प्रतिरोधकता के साथ यदि कोई पदार्थ, यानी कि उसमें प्रतिरोध का क्या हो, शून्य, और परम शून्य ताप पर यदि वो किसकी तरह काम कर रहा है, पूर्ण चालक की भांति काम कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, अतिचालक। क्या बोलते हैं, अतिचालक। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। चार केल्विन ताप पर, कितना, चार केल्विन ताप पर ना जो मरकरी रहता है, HG पारा, ठीक है, वो अतिचालक की तरह काम करता है, चार केल्विन ताप पर, भूलना नहीं, ठीक है, याद रहेगा कि नहीं। अतिचालक का उपयोग क्या क्या है, अब अतिचालक का उपयोग, सबसे पहला उपयोग है इसका इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक उपयोग, उपकरण बनाओगे उसमें उपयोग होता है अतिचालक का, इलेक्ट्रॉनिक्स में उपयोग है। दूसरा है तुम्हारा पावर ट्रांसमिशन में, शक्ति संचारण, पावर ट्रांसमिशन, पावर ट्रांसमिशन में उपयोग होता है किसका, तुम्हारा अतिचालक का। तीसरा उपयोग है इसका, ध्यान देना ना, शक्तिशाली चुंबकों के निर्माण में, शक्तिशाली चुंबकों के निर्माण में, शक्तिशाली चुंबकों के निर्माण में। और एक होता है आपका लेविगेशन ट्रांसपोर्ट में, इसमें लेविगेशन ट्रांसपोर्ट क्या होता है, लेविगेशन ट्रांसपोर्ट बिना पटरी के जब ट्रेन चलता है, ठीक है, लेविगेशन ट्रांसपोर्ट में, ठीक है, बिना पटरी के जब ट्रेन चलता है तो उस
उस प्रकार का जो ट्रेन चलता है ना, तो उसमें अति चालक का उपयोग करते हैं, लेविगेशन ट्रांसपोर्ट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? लेविगेशन ट्रांसपोर्ट। क्लियर है? तो दो नंबर या तीन नंबर का क्वेश्चन आता है आपका, अति चालक क्या है, इसके कोई दो उपयोग लिखे। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में उपयोग होता है, शक्तिशाली चुंबक के निर्माण में होता है, शक्ति संचरण बोले तो पावर ट्रांसमिशन में होता है, और लेविगेशन मतलब बिना पटरी के चलने वाले ट्रेन के निर्माण में इसका उपयोग होता है। शून्य प्रतिरोधकता के साथ, शून्य प्रतिरोधकता के साथ परम शून्य ताप पर, परम शून्य ताप पर यदि कोई पदार्थ, ठीक है, पूर्ण चालक बन जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? अति चालक। क्या बोलते हैं? अति चालक। और ये जो अति चालक रहता है, इसका एग्जाम्पल देना, 4 केल्विन ताप पर क्या तुम्हारा मरकरी अति चालक की तरह क्या करता है? व्यवहार करने लग जाता है। क्लियर है? 4 केल्विन ताप, एग्जाम्पल भी बहुत ज्यादा एमपी है। क्लियर है? चलेंगे ठोसों के चुंबकीय गुण। ठीक है, कोई भी पदार्थ रहता है, ध्यान समझना, कोई भी पदार्थ रहता है उसमें कुछ ना कुछ चुंबकीय गुण अवश्य होता है। ठीक है, और चुंबकीय गुण उत्पन्न होने का मुख्य कारण रहता है आपका क्या? इलेक्ट्रॉन। क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन। ध्यान समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम लोगों को ध्यान समझो। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं टॉपिक आपका ठोसों के चुंबकीय गुण। बातचीत नहीं जी, वरना पूछ दूंगा मैं, और नहीं बात आ पाओगे फिर एकदम सामूहिक रूप से तुम लोगों का बिज्जती होगा। ठीक है, ध्यान से समझो, ठोसों के चुंबकीय गुण। मैं क्या बोल रहा हूँ कि कोई भी पदार्थ हो, ठीक है, वो कुछ ना कुछ उसमें चुंबकीय गुण होता है। ठीक है, और चुंबकीय गुण उत्पन्न होने का कारण होता है क्या तुम्हारा? इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। क्लियर है ना? असल में ये जो इलेक्ट्रॉन रहता है ना, वो एक अति सूक्ष्म चुंबक की तरह व्यवहार करता है। किसकी तरह? अति सूक्ष्म चुंबक की भांति व्यवहार करता है, की भांति व्यवहार करता है। यहाँ तक क्लियर है? अति सूक्ष्म चुंबक की भांति क्या करता है? ये व्यवहार करता है। कोई भी पदार्थ हो, ध्यान से समझना, उसमें कुछ ना कुछ चुंबकीय गुण अवश्य होगा। चुंबकीय गुण उत्पन्न होने का कारण क्या है? इलेक्ट्रॉन। क्योंकि हम लोग क्या पढ़े, कोई भी पदार्थ किससे मिलकर बना रहता है? परमाणु से। और परमाणु में क्या उपस्थित रहते हैं आपके? इलेक्ट्रॉन। क्या उपस्थित रहते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के कारण क्या आता है? आपका चुंबकीय गुण। और इलेक्ट्रॉन में ऐसा क्या खासियत है? क्योंकि वो अति सूक्ष्म चुंबक की भांति क्या करता है? वो व्यवहार करता है। यहाँ तक क्लियर है? आप ध्यान से देखना, हमको ठोस में चुंबकीय गुण का अध्ययन करना है। ठीक है, तो ठोस में चुंबकीय गुण का ध्यान देना ना, ठोस में जो चुंबकीय गुण रहता है, ठीक है, उसका अध्ययन हम लोग करते हैं किसके माध्यम से? चुंबकीय आघूर्ण के माध्यम से। किसके माध्यम से? चुंबकीय आघूर्ण के माध्यम से। मैग्नेटिक मूवमेंट बोलते हैं जिसको, चुंबकीय आघूर्ण। क्लियर है? और चुंबकीय आघूर्ण आपका उत्पन्न किसके कारण होता है? चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होने का कारण होता है आपका दो प्रकार का गति। कितने प्रकार का गति? दो प्रकार का गति होता है। ठीक है, एक जो इलेक्ट्रॉन है आपका, ठीक है, एक जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने ही अक्ष में क्या होते रहता है? घूमते रहता है। एक इलेक्ट्रॉन है वो अपने ही अक्ष में घूमते रहता है, और दूसरा वो नाभिक के चारों ओर क्या लगाते रहता है? चक्कर लगाते रहते हैं इलेक्ट्रॉन। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? मतलब ध्यान समझना, मान लो ये कोई परमाणु का क्या है? ये नाभिक है। ठीक है, तो इस नाभिक के चारों ओर कौन गति कर रहा है? आपका इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का ये चक्रण गति हो गया। इलेक्ट्रॉन का कौन सा गति हो गया? ये चक्रण गति। और उसके साथ यदि ऐसे, ये ध्यान देना, यदि इसके साथ ऐसे गोल गोल घूम रहा है, ये नाभिक है, इसके चारों ओर ऐसे गोल 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 घूम रहा है, तो अपने ही जगह में भी वो ऐसे घूमते रहेगा ना। यानी एक तो हो गया इलेक्ट्रॉन का क्या? चक्रण गति। और एक हो जाता है इलेक्ट्रॉन का कक्षीय गति। कौन सा गति? कक्षीय गति। क्लियर है ना? यानी कि अपने ही अक्ष में यदि वो घूमता है, अपने ही अक्ष में यदि क्या हो रहा है? वो घूम रहा है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कक्षीय गति। और यदि वो नाभिक के चारों ओर घूम रहा है तो वो कौन सा गति हो गया आपका? चक्रण गति। कौन सा गति हो गया? चक्रण गति। और इन दोनों गतियों के कारण ही क्या उत्पन्न होता है आपका? चुंबकीय आघूर्ण। क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय आघूर्ण। और चुंबकीय आघूर्ण के कारण जो कोई भी ठोस रहता है उसमें चुंबकत्व का गुण आ जाता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि ठोसों में चुंबकत्व उत्पन्न होने का कारण क्या है? तो क्या बोलोगे कि कोई भी ठोस जो रहता है किससे मिलकर बना रहता है? परमाणुओं से। परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अति सूक्ष्म चुंबक की भांति व्यवहार करते हैं। ठीक है, ठोस में चुंबकत्व उत्पन्न होने का कारण होता है चुंबकीय आघूर्ण, जो कि इलेक्ट्रॉन के दो प्रकार के गति के कारण होता है। एक तो इलेक्ट्रॉन का अपने ही अक्ष पर घुमाओ जिसे कक्षीय गति कहते हैं, और दूसरा इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर घुमाओ जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? चक्रण गति। क्या बोलते हैं? चक्रण गति। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? समझ आया नहीं? ठीक है, अब चूंकि इलेक्ट्रॉन जो रहता है उसमें कौन से चार्ज है? माइनस चार्ज है, मतलब उसमें कोई ना कोई आवेश तो है, और आवेश के कारण ही क्या उत्पन्न हो जाता है? एक विद्युत परिपथ का निर्माण होता है। किसका निर्माण हो जाता है? विद्युत परिपथ का। और वो विद्युत धारा का क्या बन जाता है? सुचालक बन सकता है। क्लियर है कि नहीं? विद्युत धारा का क्या बन सकता है? वो सुचालक बन सकता है, और उसमें चुंबकीय आघूर्ण पाया जाता है। अच्छा,
चुंबकीय आघूर्ण का जो मात्रक रहता है ना, मात्रक याद करना है तुमको, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक, मोस्ट टाइम पिक क्वेश्चन है, मात्रक होता है क्या, बोर मैग्नेटॉन, बोर मैग्नेटॉन, ठीक है, बी एम करके शो करते हैं, किससे, बी एम से, बोर मैग्नेटॉन, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होता है आपका, बोर मैग्नेटॉन, और इसका जो मान है वो आता है आपका 9.27 × 10^24, 9.27 × 10^24 एम्पियर मीटर का स्क्वायर, एम्पियर मीटर का स्क्वायर क्या है, एम्पियर मीटर का स्क्वायर, क्लियर है, एम्पियर मीटर का स्क्वायर मात्रक आया हुआ है, ठीक है, बोर मैग्नेटॉन का इकाई क्या होता है, एम्पियर मीटर का स्क्वायर, मान कितना होता है 9.27 × 10^24। चुंबकीय आघूर्ण जो रहता है इसको हम लोग शो करते हैं म्यू से, किससे, म्यू से, क्लियर है, किससे शो करते हैं, म्यू से, और म्यू इज इक्वल टू होता है अंडर रूट, ठीक है ना, अंडर रूट एन प्लस, ध्यान देना, अंडर रूट एन इंटू एन प्लस टू, ऐसा, जहां एन बराबर है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, और इसका मात्रक क्या होता है, बोर मैग्नेटॉन, तो ये है फॉर्मूला, चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला लिखो करके आएगा, तो म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट एन इंटू एन प्लस टू, बी एम करके लिखना, बोर मैग्नेटॉन लिखना जरूरी है, और जो भी मान आएगा फिर उसमें बोर मैग्नेटॉन का ये वाला मान का गुणा होगा, उसके अनुसार क्या आएगा, आपका आंसर आएगा, यहाँ तक क्लियर है, मात्रक आता है, चुंबकीय आघूर्ण को किससे शो करते हैं ये आता है, इसका फॉर्मूला आता है, इस फॉर्मूले के ऊपर हमको मान रखना रहता है, क्लियर है, जहाँ एन बराबर क्या है, युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, चलो मैं ऐसा बना रहा हूँ ना, इलेक्ट्रॉन भरना तो सब जान रहे हो तुम लोग, ठीक है, ऐसा कोई यौगिक 1, 2, 3, 4 और ये 5 और ये 6, 7, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या गिनो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना आएगा, 3, कितना आएगा, 3, मान लो अब कितना आएगा, 4, अब कितना आएगा, 5, समझ आ रहा है कि नहीं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन समझ आ रहा है, जो पेयर्ड नहीं है उनको गिनते हैं हम लोग, क्लियर है, किसी भी यौगिक में या किसी भी ठोस में जितने ज़्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहेंगे, हमेशा याद रखना, उसका चुंबकत्व का मान उतना ही ज़्यादा होता है, क्लियर है, जिसमें जितना ज़्यादा क्या रहता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है वो कैसा रहता है, उतना ही ज़्यादा चुंबकीय होता है, क्या होता है, चुंबकीय होता है, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, अब कोई भी पदार्थ हो या कोई भी हमारा ठोस है उसमें 5 प्रकार के चुंबकीय गुण पाए जाते हैं, कितने प्रकार के, 5 प्रकार के, सबसे पहले हम लोग क्या देखो, सबसे पहले ठोसों में चुंबकीय गुण कैसे उत्पन्न होता है ये देखें, उसका उत्पन्न होने का कारण देखें, उसके बाद उसका क्या देखें हम लोग, मात्रक, क्या देखें, मात्रक, ठीक है, मात्रक क्या होता है, बोर मैग्नेटॉन, उसका मान देखें, उसका मात्रक देखें, ठीक है, उसके बाद उसका फॉर्मूला भी देखें, क्लियर है, और मैं क्या बोला हूँ आप लोगों को लास्ट लाइन, कि जितना ज़्यादा युग्मित इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही ज़्यादा वो क्या होगा, उसमें चुंबकीय गुण होगा, क्लियर है, अब ध्यान से समझना ना, मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किसी में भी है, कोई भी पदार्थ में, ठीक है, मतलब ये है होगा, ध्यान से समझना, मतलब ये होगा कि वो क्या होगा, कुछ ना कुछ चुंबकत्व दिखाएगा, समझ आया, शुरुआत करें, पदार्थ में कितने प्रकार के चुंबकीय गुण होते हैं आपके, 5 प्रकार के, कितने प्रकार के, 5 प्रकार के, सबसे पहला चुंबकीय गुण है जिसको हम लोग बोलते हैं अणुचुंबकीय, जो सबसे ज़्यादा तुम लोग पढ़ोगे पूरा का पूरा 12वीं, अच्छा ये वाला जो टॉपिक रहता है ना, ये ना डी ब्लॉक करके एक चैप्टर चलेगा आप लोगों का, ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो उसमें बार बार चुंबकत्व गुण आएगा, ठीक है, तो वहाँ पास ही काम आएगा, तो अणुचुंबकीय पदार्थ जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, पैरामैग्नेटिक, क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक, ठीक है, हिंदी भी याद रखना है और इंग्लिश भी, ठीक है, अणुचुंबकीय को क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक, क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक, अब ध्यान से सुनना, पैरामैग्नेटिक किसे कहते हैं, मान लो, ध्यान देना, कोई भी बाहर से चुंबकीय पदार्थ लाया और उसकी ओर वो क्या हो रहा है, मान लो वो पदार्थ आकर्षित हो रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं, बाहर से मैं कोई चुंबक लाया और उस चुंबक में जाकर के जो मेरा पदार्थ है वो जाकर के क्या हो गया, आकर्षित हो गया, जाकर के चिपक गया, तो ऐसे पदार्थ बोलते हैं अणुचुंबकीय, क्या बोलते हैं, अणुचुंबकीय, जैसे कि तुम्हारा आयरन है Fe3+ है, जैसे कि हमारा कॉपर 2+ है, असल में क्या होता है, ध्यान से समझना का कोशिश करना ना, ठीक है, जब कोई भी पदार्थ है उसमें अणु परमाणु या आयन है उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, क्या हो, केवल और केवल अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, अणुचुंबकीय पदार्थ, जैसे Fe3+ लिखा है, ठीक है, Fe परमाणु क्रमांक कितना, 26, चलो निकालो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6, यही होगा क्या,
देखो तो 6 4 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20 और ये कितना 6 26। यहाँ तक क्लियर है? Fe3+ बोला है, पहले तो यहाँ से निकलेगा 2 इलेक्ट्रॉन, फिर एक यहाँ से निकलेगा, मतलब 3d5। क्या बन गया ये? 3d5। Fe3+ मतलब 3d5 ना, 3+ है मतलब 3 ठोक को घटाओगे जी। पहले नॉर्मल लिखो Fe बस का, उसके बाद उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, हटाना है। पहले 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ का और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ का, तो लास्ट नंबर बचा क्या आपका? 3d5। डी कक्षा के 1 2 3 4 और 5। किसको किसको ये पल्ला नहीं पड़ रहा है, सब सब बताओ, किसको किसको ये नहीं आता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना किसको नहीं आता है? वीडियो का लिंक भेजा जाएगा, उसको देखना। अब बाऊ का नियम वगैरह पढ़ो, जिन लोगों को अभी नहीं आ रहा है ये सब, तो ये तुम्हारे 11वीं का पापक्रम है, ठीक है? अरे पापक्रम को तुमको साफ करना पड़ेगा, तब आएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीखना पड़ता है ना, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब निकालोगे तो ध्यान देना Fe3+ है, 3+ है, प्लस है मतलब उसमें से हटाना है, कमी है 3 का, ठीक है? तो 3 को हटा दिए तो 3d5 आया। अब 5 है मतलब 1 2 3 4 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये कैसा गुण दिखाएगा? अनुचुंबकीय। क्या दिखाएगा? अनुचुंबकीय। वैसे ही तुम्हारा जैसे Cu2+ दिया है, क्या दिया? Cu2+। कॉपर वाला जो रहता है, अपवाद वाला कहानी है उसका, 29 रहता है परमाणु, तो 3d9 ना होकर के क्या हो जाता है वो 3d10। 4s1 रहता है, एक निकल जाएगा तो 3d9 फिर आएगा, समझ आ रहा है ना? यानी Cu2+ का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालूंगा लास्ट 3d9 आएगा, ठीक है? तो एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ गए इसमें फिर से, अरे नॉट है रे, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5, 6 7 8 9 हो गया, तो ये ठोक हो गया ना ये देख, तो इसमें क्या होगा? फिर से अनुचुंबकीय गुण। क्या होगा? अनुचुंबकीय गुण। और जैसे ही मैं बाहर से कोई चुंबकीय पदार्थ को हटाऊंगा, देखो जब तक मैं ऐसे चुंबक के संपर्क में लाया हूँ जाकर के चिपक गया, जैसे ही इस चुंबक को हटाऊंगा तो इसका चुंबकत्व का जो गुण है वो क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। तो ऐसे पदार्थों को हम लोग बोलते हैं क्या? अनुचुंबकीय पदार्थ। क्या बोलते हैं? अनुचुंबकीय पदार्थ। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक क्लियर है? एक उदाहरण से समझो अनुचुंबकीय क्या होता है, प्रतिचुंबकीय क्या होता है, ठीक है? ध्यान से देखो, नॉर्मली कॉपर है, परमाणु क्रमांक कितना होता है? 29। चलो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो, ओए ध्यान दो, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 4s2, 3d9। लेकिन ये यदि एक इलेक्ट्रॉन इससे ले ले तो इसका क्या हो जाएगा? पूरा कहानी हो जाएगा। तो ये क्या होता है? मेनली 3d10 और ये क्या हो जाता है? 4s1। ये होता है इसका वास्तविक में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यदि मैं कॉपर प्लस करूँ, जैसे मैं कॉपर प्लस करूँगा, ध्यान से समझना, तो यहाँ पास एक इलेक्ट्रॉन खिसक जाएगा और बचेगा क्या? लास्ट में 3d10। अब मान लो मैं Cu2+ करूँ तो एक इलेक्ट्रॉन और निकल जाएगा, ये वाला निकला ही है, एक और निकल जाएगा, क्या हो जाएगा? 3d9। अब देखो यहाँ पास चूँकि 4s1 लास्ट कक्षक है तो उसमें कहीं ना कहीं ये ठुक है, मतलब ये क्या होगा? अनुचुंबकीय होगा। क्या होगा? अनुचुंबकीय, पैरामैग्नेटिक होगा। यहाँ तक क्लियर है? चूँकि इसमें ध्यान दो, 1 2 3 4 और 5 6 7 8 9 10, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? 0 है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? 0। इस कारण ये क्या होगा? प्रतिचुंबकीय होगा। चुंबक की ओर आकर्षित होगा क्या? नहीं, ठीक है ना? अचुंबकीय, ये हाँ अचुंबकीय होगा, रुको रुको रुको, प्रतिचुंबकीय होगा। क्या होगा? ये प्रतिचुंबकीय। यहाँ तक क्लियर है? और उसके बाद ये देखो 3d9 आया, फिर से क्या हो जाएगा? ये अनुचुंबकीय। क्या हो गया? अनुचुंबकीय, क्योंकि 9 है ना, समझ आ रहा है कि नहीं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन फिर आ गया, समझ आ रहा है कि नहीं? क्लियर है? यहाँ तक समझ आया? तो पहला है आपका चुंबकत्व में अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय पदार्थ। क्या है? अनुचुंबकीय पदार्थ, यानी ऐसे पदार्थ जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उनको क्या बोला जाता है? अनुचुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। जैसे ही मैं इनके पास से कोई बाह्य चुंबकीय पदार्थ को हटाता हूँ, जैसे लोहा है वो चुंबकत्व दिखा रहे हैं, तो चुंबकत्व कब दिखाएगा? जब उसके सामने क्या रहेगा? कोई चुंबक रहेगा तभी दिखाएगा ना। जैसे ही चुंबक को हटाऊंगा तो फिर से क्या हो जाएगा? नॉर्मल दिखे हो जाएगा, उसका चुंबकत्व का गुण क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे पदार्थों को बोलते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ। क्या बोलते हैं? अनुचुंबकीय पदार्थ। दूसरा देखते हैं, दूसरा है आपका प्रतिचुंबकीय पदार्थ। ठीक है, क्या पढ़ेंगे आप?
प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ किसको बोलते हैं, जैसे कि बाहर से मैं कोई चुंबक लाया तो उस पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं हो रहा है, उल्टा क्या हो रहा है, प्रतिकर्षित हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रतिकर्षित। प्रतिचुंबकीय पदार्थ को बोलते हैं हम लोग डाईमैग्नेटिक। क्या बोलते हैं? डाईमैग्नेटिक, मैग्नेटिक। ठीक है, कई लोग क्या सोचते हैं प्रतिचुंबकीय पैरामैग्नेटिक, पीपी पैरामैग्नेटिक, ऐसा करके होशियारी मत मारना। प्रतिचुंबकीय डाईमैग्नेटिक, अनुचुंबकीय पैरामैग्नेटिक, अनुचुंबकीय पैरामैग्नेटिक, प्रतिचुंबकीय डाईमैग्नेटिक। क्लियर है? इंग्लिश नाम करके पूछता है, हिंदी में लिख देता है, पैरामैग्नेटिक किसे कहते हैं, डाईमैग्नेटिक किसे कहते हैं, फिर कई लोगों का दिमाग नहीं चलता। समझ आ रहा है ना? अनुचुंबकी को पैरामैग्नेटिक कहते हैं और प्रतिचुंबकी को डाईमैग्नेटिक कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है? एक स्कूल में ऐसी ही बवाल हो गया था अनुचुंबकी और प्रतिचुंबकी में, लड़का लोग और टीचर के बीच में वाद विवाद। टीचर बोल दिया मैं 10 साल हो गया पढ़ाते वाला, कहानी हो गया था। ठीक है, हाँ वो स्कूल के स्टूडेंट ज़्यादा हैं यहाँ। ठीक है, ज़्यादा कुछ बोलूँगा तो विवाद हो जाएगा। ठीक है, तो तुम लोग हमेशा याद रखना प्रतिचुंबकी को क्या बोलते हैं हम लोग, डाईमैग्नेटिक। क्या बोलते हैं? डाईमैग्नेटिक। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अब ध्यान से समझने का कोशिश करना। मैं जैसे अभी किसका बताया था उदाहरण तुमको, कॉपर प्लस का बताया था, कॉपर प्लस का। कॉपर प्लस में लास्ट टर्म क्या आता है? 3D10। अब इसमें देखो, एक दो डी कक्षा कितना रहता है, 5, 1, 2, 3, 4 और ये 5, एक रेखा हुआ। अब सब के सब क्या है? युग्मित हो गए। क्या हो गए? युग्मित। क्लियर है कि नहीं? क्योंकि इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? 0। इस कारण ये चुंबकीय क्षेत्र क्या होते हैं? प्रतिकर्षित होते हैं। क्या होते हैं? प्रतिकर्षित। इस कारण इनको क्या बोला जाता है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ। क्या बोला जाता है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ। वैसे ही जिंक है, जिंक का परमाणु क्रमांक कितना? 30। इतना है 30। तो नॉर्मल जब 4s2 3d10 आता है उसका, 4s2 3d10 आता है, 3d10 वाला कहानी है। देखो फिर से आ गया वो। समझ आ रहा है कि नहीं? मतलब कॉपर प्लस और जिंक, ये दोनों के दोनों कैसे पदार्थ हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं। क्या है? प्रतिचुंबकीय। तो 100 बात का एक बात, अनुचुंबकीय अयुग्मित, एक है स्क्वेयर। ठीक है, ठीक है, A2। ठीक है, एक्सलेट एकेडमी। ठीक, ध्यान देना, अनुचुंबकीय अयुग्मित, अनुचुंबकीय अयुग्मित, एक फॉर्मूला याद रखना, हो जाएगा। क्लियर है? अब प्रतिचुंबकीय मतलब क्या होगा? युग्मित। क्या होगा? युग्मित। क्या युग्मित अयुग्मित? इलेक्ट्रॉन। क्या? इलेक्ट्रॉन। यहाँ तक समझ आया? तीसरा देखते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं? तीसरा है आपका क्या? लौह चुंबकीय पदार्थ, फेरोमैग्नेटिक। लौह चुंबकीय पदार्थ, क्या बोलते हैं इसको? फेरोमैग्नेटिक। क्या बोलते हैं? फेरो। ठीक है, राइटिंग में कोई ध्यान नहीं देगा मेरे। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक। वैसे आज तक ध्यान नहीं दिया तो आप क्या दोगे? ठीक है, फेरोमैग्नेटिक। ध्यान देना, वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय पदार्थ से प्रबलता के साथ आकर्षित होते हैं, ठीक है ना, प्रबलता से आकर्षित होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? लौह चुंबकीय पदार्थ। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो इसमें होंगे। देखो कोई भी चुंबकत्व दिखा रहे हैं, मतलब उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो होगा ही होगा। ठीक है ना, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो होंगे ही होंगे। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है, ठीक है ना, वो क्या रहती है? अधिक रहती है, वह एक ही दिशा में संरेखित होती है, एक ही दिशा में अलाइनमेंट होता है इनका, एक ही दिशा में संरेखित होती है। देखो वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय पदार्थ, बाहर से कोई चुंबक लाया उसकी ओर और अधिक प्रबलता के साथ क्या होंगे? आकर्षित होते हैं। ठीक है, नॉर्मल अनुचुंबकीय है, मतलब जिसमें भी चुंबकत्व गुण हो गया वो क्या है? अनुचुंबकीय, चाहे एक अयुग्मित रहे चाहे 5 अयुग्मित रहे। क्लियर है ना? समझ आ रहा है कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ? चाहे 8 ठोक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहे, चाहे 5 ठोक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहे, समझ आ रहा है कि नहीं? कैसा भी कहानी रहे, ठीक है, जिसमें कहीं भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिख गया वो अनुचुंबकीय है। अब मैं अनुचुंबकीय में ही तुम लोगों को अलग अलग प्रकार बता रहा हूँ। अनुचुंबकीय में एक होता है लौह चुंबकीय पदार्थ, मतलब जैसे ही चुंबक लाऊंगा तो और ज़्यादा तेजी के साथ उसकी ओर क्या होता है? आकर्षित होता है। तो ऐसा कौन होगा? अयुग्मित तो होगा ही होगा, लेकिन एक ही दिशा में क्या होता है? उनका संरेखण होता है, जैसे कि Fe है, ठीक है ना, या कोबाल्ट है, या फिर निकिल है, फिकोनी करके याद रखते हैं, चाहे Fe हो, चाहे कोबाल्ट हो, चाहे निकिल हो, इसमें क्या होता है? जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ना, ये जो रहते हैं ना, ये जो जमने का उनका क्रम है, ठीक है ना, क्या होता है देखो, या तो इस तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहते हैं इलेक्ट्रॉन, या तो क्या रहते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। समझ आ रहा है ना? हम लोग क्या करते हैं, जब 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके भर देते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है, ध्यान दो, ऐसा भी तो हो सकता है कोई ऐसा उल्टा हो। समझ आ रहा है कि नहीं? यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन हैं वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन कर रहे हैं, कोई एक क्या हो रहा होगा? एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा,
यहाँ एंटी क्लॉक वाइज ऐसा घूम रहा होगा, समझ आ रहा है कि नहीं। या ऐसा कंडीशन देखो आप, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पास देखो अलाइनमेंट सबसे ज़्यादा किस में है, इसमें पाँच है, पाँचों के पाँचों क्लॉक वाइज डायरेक्शन में है, और इसमें देखो तीन क्या है क्लॉक वाइज है और दो क्या है एंटी क्लॉक वाइज, लेकिन हाँ युग्मित इलेक्ट्रॉन तो है। तो मैं जब बोल रहा हूँ कि एक ही दिशा में यदि अलाइनमेंट हो, पाँच वाला है तो ये ज़्यादा क्या होगा, देखो ये भी अनुचुंबकीय है, ये भी अनुचुंबकीय है, क्योंकि दोनों में क्या है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, लेकिन देखो इसमें एक ही दिशा में संरेखण है, अलाइनमेंट किस में है एक ही दिशा में, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या लौह चुंबकीय पदार्थ। क्या बोलते हैं? लौह चुंबकीय पदार्थ। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक समझ आया कि नहीं, समझ आया ये एग्जाम्पल से क्लियर है। अब दूसरा देखो, दूसरा होता है प्रति लौह चुंबकीय पदार्थ। क्या होता है? प्रति लौह चुंबकीय पदार्थ, ठीक है। चौथा प्रति लौह चुंबकीय पदार्थ एंटी फेरोमैग्नेटिक, ये फेरोमैग्नेटिक था तो अब क्या होगा एंटी फेरोमैग्नेटिक, ठीक है ना। ध्यान से देखो क्या बोल रहा हूं मैं, जब समान संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जब समान संख्या में क्या हो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशा में संरेखित हो अलाइनमेंट क्या हो विपरीत दिशा में। अब इसको समझने का कोशिश करना, मैं तुमको कैसे बताऊं, ध्यान देना ना। ऐसे देखो Fe2O3 है, इसके उदाहरण से समझाने का कोशिश करता हूँ। Fe है, चलो Fe का क्या निकालोगे तुम लोग, ऑक्सीकरण संख्या 2x + -2 × 3 = 0, तो 2x 3 × 6, ठीक है, तो 2x = 6, तो x = +3। क्या आ गया Fe का +3, क्या गया Fe का +3। रे समझ आ रहा है, Fe2O3 है, Fe का क्या निकाला ऑक्सीकरण संख्या कितना आया +3। रेडॉक्स चैप्टर पढ़े हो ना 11वीं में, याद आया कि नहीं, ऑक्सीजन का कितना होता है -2, कितना होता है -2, तो 3 × 6, ठीक है, और माइनस है इधर आया तो +6, और 2x है तो 6/2, तो कितना आ गया 3 + 3, तो Fe का कितना आया +3। Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले थे तो कितना आया था 4s2 3d6, ये था ना। अब मान लो यहाँ पास से मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान देना ना, ध्यान दो बच्चों, इधर ध्यान दो, इधर, ठीक है, इधर इधर, ठीक है, इधर, ठीक है, 4s2 यहाँ पास का 0 हो गया, 2 निकल गया, और एक और निकलेगा तो यहाँ पास क्या हो जाएगा 3d5, क्या हो गया 3d5। अब यहाँ पास देखो 3d5 हुआ, Fe कितना है 2 ठोक है, ये एक Fe में +5 है, एक और Fe है ना, 2 Fe है ना, ध्यान दो, एक Fe के लिए +3, एक और Fe है, Fe2 लिखा हूँ मैं, ये दे Fe2, तो ये भी +3, तो ये भी 3d5 होगा। लेकिन अब देखो यहाँ पास क्या आने क्या है, ये ऊपर वाला जो Fe है, ऊपर वाला जो Fe है 3d कक्षक है ना, d कक्षक है, कितना रहता है 5, 1 2 3 4 5, ये ऊपर वाले के लिए बना दिया, और नीचे वाला जो रहेगा वो क्या रहेगा, समान तो है उतना ही है, 5 युग्मित इलेक्ट्रॉन दूसरे Fe में भी है, लेकिन वो क्या है विपरीत दिशा में, कैसे है विपरीत दिशा में, समझ आया कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, क्लियर है, समझ आया कि नहीं। पहले वाले में क्या बोल रहा था अयुग्मित इलेक्ट्रॉन और एक ही दिशा में संरेखित, अब ये बोल रहा हूँ कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो, सही बात है, समान संख्या में विपरीत दिशा में संरेखित, समान संख्या 5, समान संख्या 5, यहाँ तक क्लियर है, ये क्लॉक वाइज और ये क्या हो गया एंटी क्लॉक वाइज, समझ आया। तो ऐसे यौगिक को हम लोग या ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं प्रति लौह चुंबकीय, क्या बोलते हैं प्रति लौह चुंबकीय। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, किसी कोई दिक्कत थोड़ी हुआ जी, कैसे कैसे निकाले हैं, यहाँ तक क्लियर है। और ये एक दूसरे के ध्यान देना, एक दूसरे के मान को क्या कर देंगे निरस्त कर देंगे, क्या कर देंगे निरस्त, क्लियर है। तो कुल मिलाकर के इसका चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या आ जाएगा 0, क्या आ जाएगा 0, समझ आ गया कि नहीं, क्लियर है, आगे बढ़ें, ठीक है। पांचवा देखते हैं, ठीक है, पांचवा है आपका लघु लौह चुंबकीय, क्या है लघु लौह चुंबकीय। लघु लौह चुंबकीय में क्या होता है, जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का जो, ध्यान समझना, अभी क्या हो रहा था ऐसे था ना, 1 2 3 4 और ये 5,
अभी भी क्या है देखो, एक दो तीन चार और एक पाँच। अब क्या हो रहा है, पहले ये इधर पाँच और नीचे में भी क्या था पाँच, अब मैं क्या बोल रहा हूँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। हाँ भैया है, एक दो तीन चार और ये पाँच है, ठीक है। अब इसमें विपरीत दिशा में होना चाहिए उतना ही पाँच, लेकिन पाँच ना होकर के कैसे है, मान लो ऐसा तीन ही है। समझ आ रहा है कि नहीं, मतलब संरेखण जो है वो असमान संख्या में, देखो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है असमान है और संरेखण में भी क्या है असमानता है, क्या है असमानता। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लघु लौह चुंबकीय। जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन असमान संख्या में विपरीत दिशा में संरेखित हो, इधर है ऊपर में कितना पाँच और नीचे में कितना है असमान रूप से तीन, समझ आ रहा है ना, तीन विपरीत दिशा में है जी। तो इस प्रकार का जो चुंबक क्या दिखाएगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या में संरेखण दिखाएगा, ऐसे पदार्थों को हम लोग बोलते हैं क्या, आपका लघु लौह चुंबकीय पदार्थ। क्या बोलेंगे, लघु लौह चुंबकीय पदार्थ। क्लियर ना, उदाहरण में याद रखना है Fe3O4 और उस वाले में क्या था Fe2O3 था। क्लियर ना, वो वाला क्या था Fe2O3 और ये क्या है Fe3O4। क्लियर है कि नहीं। तो इस तरीका से आपका ध्यान देना, चुंबकत्व वाले टॉपिक में हम लोग सबसे पहले पढ़ें चुंबकीय गुण किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉन के कारण। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, गति होता है, गति होने के कारण विद्युत परिपथ उत्पन्न करता है। इकाई ध्यान देना बोर मैग्नेट्रॉन होता है, उसका मात्रक पढ़े क्या माना था इसको देखें, उसका फॉर्मूला देखें। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ने लग गए, प्रकार। सबसे पहला प्रकार क्या था, अनुचुंबकीय, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कोई भी कंपाउंड में दिख जाएगा तो वो क्या होता है बाह्यचुंबकीय पदार्थ की ओर आकर्षित होता है। दूसरा हम लोग क्या पढ़े, प्रतिचुंबकीय, जब इलेक्ट्रॉन क्या हो युग्मित हो, क्या हो युग्मित, तो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते। क्लियर है। उसके बाद तीसरा हम लोग क्या पढ़े, लौह चुंबकीय पदार्थ। क्या पढ़े, लौह चुंबकीय पदार्थ। यदि ध्यान से समझना, इलेक्ट्रॉन क्या हो अयुग्मित हो और उनका एक ही दिशा में संरेखण हो, क्या हो एक ही दिशा में संरेखण हो, एलाइनमेंट हो। उसके बाद चौथा क्या पढ़े, प्रति लौह चुंबकीय, मतलब संरेखण हो समान संख्या में हो और क्या हो एक दूसरे के विपरीत संरेखण हो। यदि पाँच ऊपर है क्लॉक वाइज तो पाँच एंटी क्लॉक वाइज नीचे में, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, लघु लौह चुंबकीय। लघु लौह चुंबकीय में क्या है कि संरेखण है वो क्या होगा असमान संख्या में है, क्या है असमान संख्या में है। यहाँ तक क्लियर है। एग्जाम्पल याद करना, पांचों प्रकार याद करना। इस तरीके से आपका ये वाला जो टॉपिक था ठोसों में कौन सा चुंबकीय गुण, वो टॉपिक भी क्या होता है कम्प्लीट। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास रहेगा उसमें हम लोग पूरा डिटेल पढ़ेंगे कि इसके बारे में अंतरकाशीय रिक्ति किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है और साथ ही साथ क्रिस्टलीय संरचना, तब जाकर के हमारा पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा कंप्लीट। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास।